थर्ड हाउस को कैसा माना जाएगा? थर्ड हाउस किस किस का होता है कोई बता सकता है आप में से? पराक्रम पराक्रम, का, और वेरी लेखन शक्ति, वाक गुड। शक्ति। आपको याद है राणा साहब, जब मैं एक बार वास्तु पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था शुरू किए जो 16 दिशा इनको याद कर लोगे तो ठीक रहेगा। ऐसे ही घरों के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो हाउसेस के हैं, वो आपको एक माहौल बता देंगे और प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स आपको याद करा देंगे। आपने कभी भी देखा होगा क्वेश्चन, राणा साहब जब भी मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, वेदर आई एम टीचिंग न्यूमरोलॉजी, आपने न्यूमरोलॉजी तो खैर किसी ने, न्यूमरोलॉजी वास्तु या ये, मैं कभी भी कोई पीपीटी नहीं खोलता हूँ, सब माइंड में चलाते के रखता हूँ, है ना? समझने का मैं वही तरीका आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ठीक है जी? अब मैं इसी पे आ रहा हूं आपके पे। थर्ड हाउस में जुपिटर, यहां जुपिटर मिक्स रिजल्ट्स देता है, समटाइम्स इट्स गिव्स गुड रिजल्ट्स, समटाइम्स इट्स गुड गिव्स बैड रिजल्ट्स। सन जनरली नॉट गिव्स गुड रिजल्ट, सडनली सन इज गिविंग बैड रिजल्ट, सन के एट्रीब्यूट्स खराब हो रहे होते हैं यहाँ पे। मून इज ऑल्सो नॉट गिविंग गुड रिजल्ट्स, बाकी डिपेंड करता है प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे। मार्स इज गिविंग गुड रिजल्ट्स हमारे यहाँ पे ना, ये देखो ये मौली बांधी जाती है हिंदू धर्म में, दिस इज अवर थर्ड हाउस, रिस्ट इज अवर थर्ड हाउस, ठीक है? और एक विद्या जो लाल किताब की मैं बोलता हूँ ना, जो सबको सुपर शीट करती है, वो इसीलिए करती है क्योंकि लाल किताब में ये पढ़ाया जाता है, राणा साहब लाल किताब की दृष्टि है ना, जितनी नॉर्मल दृष्टि है हमारी उससे 3 टाइम्स है, आपने भी अगर ज्योतिष पढ़ रखा हो तो उस दृष्टि में एक पार्ट ये भी आता है कि जो थर्ड हाउस होता है, थर्ड हाउस में अगर कोई प्लेनेट है तो वो बैठ के 11वें हाउस को देखता है और वो जगा देता है उसको। तो अगर थर्ड हाउस में आपने मौली बांध रखी है तो वो 11th हाउस को भी जागृत करती है। 11th हाउस किस चीज का होता है रीटा जी? रीटा जी 11th हाउस की वन से किस चीज का होता है रीटा जी? ना तो आप देखो पढ़ रहे हो ना मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझसे क्वेश्चन ही पूछ लिया करो। प्रोफेसर हाँ वैसे पूछ लिया करो, अलग से पूछ लिया करो। आपको अगर सबके साथ होता है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि फुलफिलमेंट कुछ होता है। क्वेश्चंस रह गए हैं, आप पीछे रह गए, आप पूछ लो बस, छोड़ो। एग्जैक्टली दैट इज 11th हाउस, दैट इज अवर 11th हाउस। तो थर्ड हाउस में अगर राणा प्रॉफिट साहब फ्रॉम पंडित जी आपके हाथ में मौली बांध के जा रहे हैं, एवरी तो अगर आपके थर्ड हाउस में पंडित जी मौली बांध के जा रहे हैं तो वो थर्ड और 11th दोनों को एकदम से रेडी कर देता है। बट इसमें एक अच्छे पंडित का होना जरूरी है कि मौली किस कलर की बंधे, जरूरी नहीं है लाल ही बंधे। आपने देखा होगा कई जगह मंदिरों में जाते हैं वहां काला काला धागा भी बांध देते हैं हाथ पे, या बच्चे आजकल फैशन में रेड बैंड काला बैंड कोई भी कलर अलग अलग बैंड बांध के घूमते हैं। हाँ डिपेंड करता, कहता जी उसने तो इसी कलर का बैंड बांध रखा है तो उसके तो अच्छे चल रहे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है, इसका बेकार चल रहा है। वो डिपेंड करता है आपके थर्ड हाउस और 11th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है? तो आपके थर्ड हाउस और 11th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है जी? मार्स इज गिविंग गुड रिजल्ट्स, मरकरी इज गुड हेयर, शुक्र शुक्र के दोस्तों का घर है ये, बट शुक्र यहां पे ना बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, थोड़ा सा परेशान करता है शुक्र यहां पे। देखिए आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, हर घर हर प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देने के लिए बैठा होता है, राणा साहब कहीं पे भी बैठा हो, ठीक है? हर घर जैसे शुक्र यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देता है कुछ एक केसेस में, बट बंदे को थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस रखनी होती है। क्या रखनी होती है?
बंदे को म्यूजिक पार्टीज अवॉइड करनी चाहिए, बढ़िया चलेगा। जैसे ही उसने पार्टी करी, म्यूजिक चलाया घर में, उसका बैंड बजा। जबकि यही होता है ना रीटा जी, अगर इफ वी आर इन स्ट्रेस तो हम स्ट्रेस के टाइम पे सोचते हैं चलो यार म्यूजिक चला लो, बंदा कहता है यार और फाइनेंशियल लॉस हो गया, और फाइनेंशियल लॉस हो गया। फिर वो राणा साहब एक स्टेज पे आके कहता है यार भजन चलाया करो, भगवान जी बचाएंगे। पहले भगवान जी याद आते नहीं, फिर वो भगवान जी को याद करता है, भजन चलाता है। समझो, दीज आर नॉर्मल थिंग्स। कब आप स्पीकर खरीद के ला रहे हो, कब आप म्यूजिक सिस्टम खरीद के ला रहे हो, इट्स ए नॉर्मल थिंग। दिवाली वगैरह पे बंदे खरीद लेते हैं, बट अगर आपके चार्ट में नहीं आ रहा तो आपको नहीं खरीदना। आपके पास मोबाइल खरीदा, आपने मोबाइल के साथ आ जाएंगे ईयरफोन, दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट। इन मैनी केसेस यू नीड नॉट, आपको लेदर नहीं बाय करना होता है बट आप खरीद लेते हो। ठीक है, शुक्र के बाद आ गया सैटर्न। सैटर्न इज नॉट गुड हेयर ओवरऑल, नॉट गिविंग गुड रिजल्ट्स। राहु इज गुड हेयर अगेन, केतु इज नॉट गुड। फोर्थ हाउस में हमारा जुपिटर बेस्ट रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है, बड़े घर का मालिक होता है बंदा, बड़ा घर होता है, बड़े घर का मालिक होता है। बड़े घर का मालिक होता है, एरिया बड़ा होता है,